मनेत्रवा वन्यजीव सप्ताह आज आयोजित किया जाएगा। समापन समारोह अरण्य भवन में सुबह 10 बजे समापन समारोह आयोजित किया जाएगा। विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत भी उन्हें किए जाएंगे, क्योंकि आज पुरस्कार वितरण का भी दिन है। हाफ मुनीश गर्ग, CWLW अरिंदम तोमर, DCF संग्राम सिंह मौजूद रहेंगे। तो बेहद खास कार्यक्रम जो कि आज समापन समारोह के तहत दिग्गज भी जुटेंगे। विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार भी दिया जाएगा। और ज्यादा जानकारी देंगे एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। निर्मल जी, पूरे ही कार्यक्रम की आप विस्तार से जानकारी दीजिएगा, क्योंकि आज तो समापन समारोह भी है और कहते हैं ना कि आगाज भी अच्छा होता है जब इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं, और समापन तो उससे भी शानदार होता है। निश्चित तौर पर पूनम जितना शानदार आगाज उससे भी कहीं ज्यादा शानदार और भव्य समापन। देखिए, ये 69वां वन्यजीव सप्ताह जो था 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर इसकी शुरुआत हुई, और प्रदेश भर के विभिन्न जो वन मंडल है वहां लगातार इसके तहत कार्यक्रम आयोजित किए गए। और उसका मूल उद्देश्य ये होता है वन्यजीव सप्ताह का, पूनम, की किस तरह से आम जन को, स्कूली छात्रों को, कॉलेज छात्राओं को, तमाम जो स्टेक होल्डर्स उनको इस बात के लिए अवेयर किया जाए कि वन्य जीवों का संरक्षण क्यों जरूरी है, वनों का संरक्षण क्यों जरूरी है, और तमाम तरीके से किस तरह से हम प्रकृति के और नजदीक जाएं, वन्य जीवों को पहचाने कि उनका पूरे इकोसिस्टम के अंदर क्या महत्व है। और जो खासकर जो वन्य जीव जो क्षेत्र होते हैं, खासकर जो सेंचुरीज होती है, जो अभयारण्य होते हैं, उनके आसपास के जो ग्रामीण बसे होते हैं, उनको अवेयर करना और भी ज्यादा जरूरी होता है कि क्योंकि मैन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की जो स्थिति आती है उसमें कैसे बचा जा सके। उससे तो ग्रामीणों को भी इस बात को समझाया जाता है, वहां निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है, वहां पर विभिन्न तरह के पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है, वहां पर रैली निकाली जाती है, वहां पर जितने भी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और जो टाइगर पार्क है उसमें निःशुल्क भ्रमण करवाया जाता है स्टेक होल्डर्स को, नेचुरलिस्ट को, वहाँ के गाइड्स को, वहाँ के प्रशासन के जो तमाम जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको, और वहाँ के जो छात्र छात्राएं उनको। तो ये तमाम तरह की जो प्रतियोगिता इन 7 दिनों तक जो आयोजित की गई उनमें जो भी विजेता छात्र छात्रा, जो भी विजेता जो अन्य लोग थे, उनको आज पुरस्कृत भी किया जाएगा। और समापन समारोह के दौरान तमाम जो वन्य जीव वन विभाग के जो अधिकारी हैं, खासकर संग्राम सिंह कटियार, जिनके दिशा निर्देशन में लगातार ये वन्य जीव सप्ताह वाइल्ड लाइफ डिवीजन के अंदर मनाया गया, तो तमाम वो लोग मौजूद रहेंगे और सभी को पुरस्कृत किया जाएगा। उसके साथ साथ उद्बोधन भी होगा, और उद्बोधन में एक बार फिर ये समझाने की कोशिश की जाएगी कि क्यों वन्य जीवों का संरक्षण जरूरी है, इकोसिस्टम में वन्य जीवों का क्या महत्व है, और कौन कौन से वन्य जीव किस किस तरह के, उनका जो नेचर है वो किस तरह का रहता है, वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उनका हैबिटेट कौन सा होता है, फ्लोरा और फौना का क्या महत्व है, तो तमाम तरह की चर्चाएं भी होंगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो विजेता छात्र छात्रा है उनको इसके दौरान पुरस्कृत किया जाएगा। पूनम, ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए निर्मल जी।